हाय फ्रेंड, माय नेम इज विकास चक्रवर्ती। हम इस सेशन में जो बात कर रहे हैं किससे रिलेटेड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे इसके पहले हमने बताया था, फिक्स कैपिटल में जिसमें कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, इसमें क्या है। अब दूसरा जो सेकंड मेथड है जो कैपिटल का, वो कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसकी कैपिटल क्या होती है कि इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। कभी इंक्रीज हो सकती है, कभी वो डिक्रीज हो सकती है, यानी उसमें हमेशा क्या आता है, फ्लक्चुएटिंग आती है, फ्लक्चुएशन करता रहता है। तो इसलिए कौन से कैपिटल मेथड पे आ गया हम लोग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब फ्लक्चुएशन हो रही है तब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो कैपिटल अकाउंट में आएगा, तो उसके लिए हमने पहले से बना के रखा हुआ है एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें कौन कौन सी चीज आती है। तो अब देखिए जो फॉर्मेट बना के रखा है हमने, एग्जांपल में लिया हुआ है एक्स एंड वाई पार्टनर का एज्यूम किया हुआ है। तभी कंडीशन में यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट बनता है क्या है, पहला पर्टिकुलर, फिर एक्स, फिर वाई, पर्टिकुलर एक्स एंड वाई। ये है आपका डेबिट साइड और वो क्या है आपकी क्रेडिट साइड। ठीक, अब ये डेबिट और क्रेडिट साइड है। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो अब देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या है, जब भी कोई पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कैपिटल बिजनेस में लगाया हुआ है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रही है, लायबिलिटी हो रही है। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां पे रहती है, क्रेडिट साइड में। इसलिए क्या हो गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अगर उसका बैलेंस डेबिट हो रहा है, यानी पार्टनर से कैपिटल का एसेट साइड में शो किया हुआ है, तब उसका मतलब क्या हो गया, डेबिट बैलेंस हो रहा है। तब की कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस के। अब एक और चीज है कि अगर पार्टनरशिप फर्म ने उसी ईयर में कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तब की कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर सेम ईयर में कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो वहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह पे क्या होगा, बाय बैंक क्या कैश होगी। ठीक, अब अगर किसी पार्टनर ने एक्स वाई जेड, जैसे एक्स और वाई दो पार्टनर के एग्जाम्पल लिया, अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया हुआ है बिजनेस में, तब की कंडीशन में क्या हो रही है, उसकी कैपिटल क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तब की कंडीशन में उसकी कैपिटल, हमेशा एक चीज मैंने इसके पहले बताया था कि जब भी किसी ट्रांजेक्शन से किसी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है तो कहां पे आएगी, क्रेडिट में। अगर डिक्रीज हो रही है तो कहां पे आएगा, वो डेबिट में। अगर पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगाया हुआ तो उसकी कैपिटल क्या हो रही है, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है। जब इंक्रीज हो रही है तो क्या हो गया, बाय बैंक या कैश एडिशनल कैपिटल में। अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, प्रोवाइड की गई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने से पार्टनरशिप कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कहां पे आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो पार्टनर्स को जो भी कमीशन मिल रहा है तो अभी वो भी कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड में, बाय कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो पार्टनर की जो सैलरी आ रही है वो भी कहां पे आएगी, क्रेडिट में, यानी बाय पार्टनर्स सैलरी। अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया हुआ है, यानी ड्रॉइंग किया हुआ है, तब की कंडीशन में उसकी कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड में, टू ड्रॉइंग। अगर उसने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया हुआ है, उसने जो ड्रॉइंग किया हुआ है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तब की कंडीशन में वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होने पर भी उसकी कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या हो गया, डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आ रही है, तो उसकी कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस हो रहा है तब उसकी कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस इन द केस ऑफ लॉस में। अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है, क्रेडिट साइड एक्सेस है, तो डेबिट साइड में क्या होगी, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर डेबिट साइड एक्सेस हो रही है, अगर इस साइड में डेबिट साइड एक्सेस हो रही है, तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये बहुत रेयर केसेस में मिलता है, लेकिन मिल सकता है। अब क्या है, एक चीज और जानने की जरूरत है, अगर क्वेश्चन में कहीं इंडिकेट नहीं किया हुआ है कि किस मेथड को अप्लाई किया जाए, तो हमेशा किस मेथड को अप्लाई करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैपिटल करंट अकाउंट या फिक्स कैपिटल मेथड, तब तो हम लोग फिक्स कैपिटल का करेंगे। लेकिन अगर इनकेस अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है और केवल कहता है कि केवल प्रिपेयर का कैपिटल अकाउंट, तो कौन से मेथड का आएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ओनली केवल वन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो उसके बारे में मैंने अभी बताया। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने इसके पहले वाले सेशन में भी कहा था, अभी भी फिर कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर कोई पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो बाय बैंक या कैश। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है उसको पार्टनर को पार्टनरशिप डीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी चीजें उसको गेन हो रही है तो कहां पे आएगा, क्रेडिट में। अगर कोई किसी भी ट्रांजेक्शन से उसकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो कहां पे आएगा, उसके डेबिट में आएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो वहां पे कहां पे आएगा, क्रेडिट में। पार्टनर कमीशन मिल रहा है तो भी क्रेडिट में। पार्टनर्स को सैलरी मिल रही तो भी क्रेडिट में, क्योंकि उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। अगर उसने पार्टनर ने ड्रॉइंग किया हुआ है तो टू ड्रॉइंग। ठीक है, अगर
उसकी कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है तो भी उसकी कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर प्रॉफिट हो रही है तब की कंडीशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लॉस हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है तो डेबिट साइड में क्या आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, अगर डेबिट साइड एक्सेस है तो क्रेडिट साइड में क्या हो सकता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये तो थे कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। अब इसके बाद और भी चीज लेके आएंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में बात करेंगे अगले सेशन में। तो अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।